हेलो एंड वेलकम, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके और हमारे चैनल हेल्पर सीईटी प्रिपरेशन में। इस वीडियो में काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी का काउंसलिंग अपडेट, रजिस्ट्रेशन अपडेट और मेरिट लिस्ट अपडेट आप सभी को देने वाला हूं। सो वीडियो में आप सभी अंत तक बने रहिएगा। चलिए सबसे पहला अपडेट हम लोग देखते हैं इस वीडियो का, वो है आपका डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय की तरफ से। यहाँ पर शेड्यूल ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट पीजी काउंसलिंग अपडेट यूनिवर्सिटी की तरफ से रिलीज किया गया है। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पीजी का फर्स्ट राउंड का जो ऑफलाइन काउंसलिंग होने वाला है इनका जो कैंपस है उसमें, डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय सागर में, तो उसका रिपोर्टिंग टाइम और डेट के बारे में अपडेट आप सभी को दी गई है। पहला जो काउंसलिंग है ऑफलाइन होगा, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इसके बारे में आपको मैं पहले ही अपडेट कर चुका हूँ। रजिस्ट्रेशन आपको ऑनलाइन ही करने हैं एंड देन उसके बाद काउंसलिंग का ऑफलाइन डेट यहाँ पे दिया जाता है। तो ऑफलाइन 24 तारीख को यहाँ पे काउंसलिंग है, पीजी का फर्स्ट काउंसलिंग, 10 बजे से स्टार्टिंग टाइम है 11 बजे, और वेन्यू आप सभी देख सकते हैं, जो भी डिपार्टमेंट है वहीं आपको जाके काउंसलिंग कराना है। तो काउंसलिंग डेट यहाँ पर आ चुका है और इसके रिगार्डिंग जो विस्तृत डिटेल है, यानी कि डिटेल में बताया जाएगा कि इनका काउंसलिंग कब है और कहाँ जाना है, पूरा एक नोटिफिकेशन रिलीज किया जाएगा। जैसे ही एक डिटेल नोटिफिकेशन रिलीज किया जाता है यूनिवर्सिटी की तरफ से, आगे मैं फर्दर एक और वीडियो अपलोड करूँगा। सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। चलिए अब अगली यूनिवर्सिटी का हम लोग अपडेट देखते हैं। ये जो अपडेट है डेट एक्सटेंशन के रिगार्डिंग है, तमिलनाडु सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु की तरफ से। जो भी स्टूडेंट यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, 20 तारीख तक डेट है यहाँ पे, आप सभी जल्दी से जाकर रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। पहले यहाँ पर डेट 12-13 तारीख तक ही था, लेकिन अब इसको बढ़ा करके 20/5/2024 तक कर दिया गया है। तो आप सभी जो लोग भी रजिस्ट्रेशन यहाँ करना चाहते हैं, आपका लो मार्क्स है, आप सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु के वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये भी एक लो मार्क्स वाली यूनिवर्सिटी है। चलिए अगली यूनिवर्सिटी का अब और नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय की तरफ से एक और नोटिफिकेशन है। यहाँ पे बताया जा रहा है नोटिफिकेशन के माध्यम से कि डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय जो कि सागर एमपी में स्थित है, पीजी कक्षाओं में प्रवेश हेतु समर्थ पोर्टल पर पंजीकरण कराने की अंतिम तिथि 15/5/2024 थी, इसको भी आगे बढ़ाया गया है और पंजीकरण की संशोधित जो तिथि है वो 20 तारीख तक कर दी गई है। तो यहाँ पर भी यही अपडेट है जो तमिलनाडु का अपडेट है, 20 तारीख तक यहाँ पर भी रजिस्ट्रेशन का जो लास्ट डेट है वो बढ़ाया गया है। आप सभी जो है 20 तारीख तक अब रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और ये भी काफ़ी लो मार्क्स वाली यूनिवर्सिटी है। चाहे आपका मार्क्स 30-40 ही क्यों ना हो, आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराइए और लास्ट तक आपका एडमिशन हर हाल में हो जाएगा। चलिए एक और यूनिवर्सिटी का अपडेट देखते हैं जिसका आज लास्ट डेट है। तो मिज़ोरम यूनिवर्सिटी में अगर आप अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो आप जाकर वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, आज लास्ट डेट है गाइस। और जिनका भी लो मार्क्स है और नॉर्थ ईस्ट साइड से आते हैं तो मिज़ोरम यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं, अच्छी खासी सीट है और लो मार्क्स पे एडमिशन भी होते हैं। आज लास्ट डेट है, आप सभी देख सकते हैं 11:55 इनका अंतिम समय है। तो जो लोग भी रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं यहाँ रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। एक दो और यूनिवर्सिटी का मैं आप सभी को अपडेट देना चाहूँगा इस वीडियो में, जो कि लो मार्क्स से रिलेटेड है। पहला जो यूनिवर्सिटी का अपडेट है आप सभी के लिए वो है सीयू कश्मीर की तरफ से। जिनका बहुत कम मार्क्स है वो सीयू कश्मीर में अपना रजिस्ट्रेशन कराए, रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, फ़ीस भी वहाँ काफ़ी कम लगेगा रजिस्ट्रेशन का। सीयू जम्मू में भी अभी रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, आप सभी जाके करा लीजिए, वहाँ पे भी लो मार्क्स वाले का एडमिशन हो जाएगा। और यहाँ पे आप सभी अपडेट देख सकते हैं, ये लास्ट डेट है मिज़ोरम यूनिवर्सिटी का और काफ़ी कुछ इस वीडियो में बताया गया है। यहाँ पे आप सभी नोटिफिकेशन के माध्यम से देख सकते हैं कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, क्या प्रोसेस है, पूरा डिटेल यहाँ पे अच्छे से समझाया गया है एक पीडीएफ के जरिए। तो इस पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं अप्लाई करने से पहले। अब बात कर लेते हैं कौन कौन सी यूनिवर्सिटी का अभी तक मेरिट लिस्ट आ चुका है और अगर आपका नाम नहीं आया है तब आपको क्या करना है। तो पहला जो यूनिवर्सिटी आप सभी के लिए वो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, जो कि बिहार के बोधगया में स्थित है। इनका फर्स्ट मेरिट लिस्ट आ चुका है, आप सभी एडमिशन करा सकते हैं। कुछ ही समय बाद सेकंड मेरिट लिस्ट भी आएगा, उसमें तो और भी कट ऑफ कम हो जाएगा। एमजीसीयूबी जो कि बिहार में स्थित एक और सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो कि मोतिहारी बिहार में है, इनका भी फर्स्ट प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट आ चुका है, आप सभी जाके वेबसाइट से देख सकते हैं और फी पेमेंट कर सकते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश का भी फर्स्ट जो प्रोविजनल
एडमिशन सिलेक्शन लिस्ट है वो भी रिलीज किया जा चुका है और वेटिंग लिस्ट का नाम भी उसमें दिया रहेगा। तो जिन्होंने भी अप्लाई किया था उस यूनिवर्सिटी में यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश में, वो जाके वेबसाइट पे मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का भी मेरिट लिस्ट आ चुका है 1.1, आप सभी जाके ये भी देख लीजिएगा। तो इस वीडियो में मैंने काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ का आप सभी को अपडेट दिया। आगे फर्दर किसी और प्रकार का किसी और यूनिवर्सिटी से अपडेट आता है तो इसी चैनल पर आप सभी को मिलेगी। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, कमेंट का रिप्लाई आपको 12 घंटे के अंदर दिया जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।